तो यार पिछले एपिसोड में आपने देखा कि एल्बियन के खत्म होने के बाद गैलेंड टाइटनबर्ग से सीधा कैमलॉट आ पहुंचा। तो क्या मेल्लियोर सर उसके साथ अपने सामने अचानक से आए इस खतरे से भरने का कोई रास्ता ढूंढ भी पाएंगे? आज के इस एपिसोड में हम यही जानेंगे। तो भी टेड बीइंग सैड बिना गैलेंड से झूठ बोले आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गैलेंड की पावर लेवल सुन के मर्लिन कहती है, सच में जितना हम सबने इमेजिन किया था इसकी पावर लेवल उससे काफी ज्यादा है, पर पता नहीं क्यों मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। और इसके बाद वो हॉक से पूछती है कि आखिर गैलेंड का मैजिक कितना है। और जब हॉक उसका मैजिक लेवल चेक करता है तो वो शॉक हो जाता है क्योंकि गैलेंड की मैजिकल पावर जीरो होती है। हॉक कहता है आखिर ये चल क्या रहा है, कहीं मैजिक लाइट टूट चुकी है? जिसमें मर्लिन कहती है, ओ अब मैं समझी, ये जरूर गॉडेस की सील का आफ्टर इफेक्ट होगा। जो सुनकर डियाने कहती है इसका मतलब इन पे अटैक करने का यही हमारा पहला और आखिरी मौका है। वहीं दूसरी तरफ फेरी किंग के फॉरेस्ट में द ग्रेट सेक्रेटरी जो फाइट के दौरान तबाह हो चुका था वो एक बार फिर से रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ किंग ने एल्बियन को तो खत्म कर दिया था लेकिन अब वो खुद जख्मी हालत में बेहोश पड़ा था। द ग्रेट सेक्रेटरी को रिस्टोर करने के बाद बान किंग को अपना ब्लड देता है और क्योंकि बान के ब्लड में फाउंटेन ऑफ यूथ मिक्स है तो किंग की हेल्थ एक बार फिर से रिस्टोर हो जाती है। किंग को होश में देख के सारे फेरीज खुश हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं फेरी किंग को होश आ गया। किंग हैरान होते हुए बोलते हैं, क्या तुम मेरे बारे में कह रहे हो? जिस पे गेराल्ड बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि तुम ही हमारे फेरी किंग हो। इसके बाद वो बान से कहती है, सर बान, मैं तहे दिल से हमारे सेक्रेटरी और हमारे किंग को बचाने के लिए आपकी शुक्रगुजार हूं। जिस पे बान उसे गुस्से में पकड़ के कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो या मेरे साथ क्या करते हो, पर अगर अगली बार तुमने एलिन को हर्ट करने की कोशिश तक की तो मैं तुम्हें खत्म करने से पहले एक पल के लिए सोचूंगा तक नहीं। और ऐसा कहकर बान वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ कैमलॉट में मेल्लियोर सर उसके ग्रुप के सामने एक खतरनाक मुसीबत खड़ी थी। कैमलॉट में आके गैलेंड कहता है, ओह लगता है 3000 साल में काफी कुछ बदल गया है। हाँ, पर लगता है इन ह्यूमंस की एक साथ इकट्ठा होने की आदत कभी नहीं बदलेगी। और उसके बाद में गैलेंड का सिर्फ एक हल्का सा टेक और देखते ही देखते सिटी का बहुत बड़ा हिस्सा तबाह हो जाता है। और उसके बाद वो हंसते हुए कहता है, अब थोड़ा खुला खुला लग रहा है। लेकिन तभी मेल्लियोडस आता है और उसका गैलेंड पे एक खतरनाक अटैक और हमें लगता है कि गैलेंड का काम ये खत्म हो गया। लेकिन ये क्या, उसको मेल्लियोडस के अटैक से कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा होता, उल्टा वो अपने वेपन को मेल्लियोडस की बॉडी के आर पार कर देता है। एक पल के लिए तो हमारी सांस ही थम जाती है लेकिन तभी दो और मेल्लियोडस आके गैलेंड पे अटैक करते हैं। लेकिन जैसे ही गैलेंड दोनों को भी मारता है वो भी गायब हो जाते हैं। और तब हमें पता चलता है कि ये मेल्लियोडस की आफ्टर इमेज थी। गैलेंड कहता है, ओ एक आफ्टर इमेज, नहीं इससे ज्यादा ऐसा लग रहा है मानिए रियल इमेज को फॉलो कर रहे हो। पीछे से हमला, लेकिन मुझे पता है कि एक फेंट है, तुम ऊपर से हमला करोगे क्यों, है ना मेल्लियोडस? और जैसे ही मेल्लियोडस ऊपर से हमला करने वाला होता है तभी गैलेंड उसको पकड़ लेता है। इन दोनों के बीच की ये फाइट इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि मात्र उसकी शॉक वेव से लोगों को बचाने के लिए मर्लिन को परफेक्ट क्यूब यूज करना पड़ता है। वही मेल्लियोडस को पकड़ के गैलेंड कहता है, क्या तुम सच में वही मेल्लियोडस जो मैं तुम्हें समझ रहा हूँ? लेकिन तभी डियाने गैलेंड पे अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है लेकिन गैलेंड की सिर्फ एक किक कर और डियाने वहीं पे ढेर हो जाती है। ये सब देख के मर्लिन सोचती है, जितना मैंने सोचा था हम लोग उससे कहीं ज्यादा कमजोर हैं। और इससे पहले मर्लिन अपने स्पेल यूज भी करती तभी गैलेंड को कुछ एहसास होता है और वो वहां से गायब हो जाता है। मर्लिन कहती है, एक ही पल में वो मेरी मैजिकल पावर के इनसे कई मील दूर चला गया। लेकिन तभी गैलेंड मर्लिन के जस्ट पीछे लैंड करते हैं। वो मर्लिन पे अटैक करने वाला होता है कि तभी स्लेडर बीच में आके अपनी मैजिक पावर यूज करता है ओवर पावर, पर उल्टा वही गैलेंड से ओवर पावर हो जाता है। और उसके बाद में गैलेंड का स्लेडर पे एक जोरदार अटैक और स्लेडर वहीं पे ढेर हो जाते हैं। सिचुएशन को बिगड़ता हुआ देख के मर्लिन गैलेंड से कहते हैं, चलो एक डील करते हैं, गैलेंड ऑफ टेन कमांडमेंट जो डीमन किंग के अंडर सर्व करते हो मुझे मानना पड़ेगा, तुम्हारी ताकत जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा है। मर्लिन ये बोल तो नहीं होते लेकिन उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है। वो सोचती, मेरे पास सिर्फ 10 सेकंड है, स्ट्रेटेजी बनानी होगी जिससे गैलेंड से सबको सेव किया जा सके, गैलेंड को हराया जा सके और कैमलॉट को और ज्यादा डैमेज होने से बचाया जा सके। अपने माइंड में ये सब सोच के मर्लिन गैलेंड को कहती है, और तुम्हें अपने गर्ल्स को रिक्वायर करने के लिए जो कुछ भी चाहिए मैं श्योर हूँ कि मैं। मर्लिन ये सब बोली नहीं होती है कि तभी उसे कुछ एहसास होता है। मेल्लियोडस उसे रोकने की कोशिश भी करता है कि रुको मर्लिन, इसका कोई फायदा नहीं है गैलेंड, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गैलेंड हंसते हुए कहता है, तुमने मुझसे झूठ बोला क्यों, है ना? और देखते ही देखते मर्लिन पत्थर में बदलने लगती है। किसी को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा होता और उनके देखते ही देखते मर्लिन पत्थर में बदल जाती है। गैलेंड हंसते हुए कहता है, मैं 10 कमांडमेंट्स का गैलेंड ऑफ ट्रुथ हूं, तुम मेरी प्रेजेंस में अगर झूठ बोलोगे तो नो मैटर चाहे तुम कोई भी क्यों ना हो तुम पत्थर में बदल जाओगे। और ऐसा कहकर वो मर्लिन पे अटैक करने वाला होता है कि तभी मेल्लियोडस अपने ब्लैक मार्क मोड में आता है और उसके अटैक को रोक लेता है। मेल्लियोडस को देख के बाकी सारे नाइट्स मेल्लियोडस की मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था क्योंकि वहां पे लड़ाई नहीं सिर्फ एक तरफा नरसंहार होता है, यहां तक कि मेल्लियोडस भी उसके अटैक को से नहीं रोक पा रहा होता। और तभी गैलेंड का एक अटैक मेल्लियोडस पे और वो उसके दोनों हाथों को ले जाता है लेकिन मेल्लियोडस भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाला था क्योंकि अब आता है मेल्लियोडस का बजर्क मोड। वहीं दूसरी तरफ एडिनबर्ग में जेल्ड्रिस कहता है कि 3000 साल पहले ब्रिटानिया में जो मैजिक पावर बहा करती थी ऐसा लगता है वो सूख चुकी है। जिसमें फ्रॉडन कहता है कि नहीं, चीजें इतनी बेकार भी नहीं है, पहले जो मैजिक पावर अर्थ के बाहर बहा करती थी वो यहाँ के वाइल्ड लाइफ ने और प्लांट ने सोख ली है।
और सबसे ज्यादा उन लोगों ने जो इस समय इस लैंड पे खुले घूम रहे हैं, और उसका इससे मतलब होता है इंसानों ने। और उसकी बात सुनकर डायरेक्टली वहां पे एक खड़े इंसान के पास जाती है और देखते ही देखते उसकी सोल उसके मुंह से निकाल के खा जाती है। नहीं मतलब सीरियसली वो उसकी सोल निकाल के खा जाती है, कोई बेचना बेचना नहीं हो रहा यहाँ पे, खा जाती है वो। जो देख के मिलास पिला कहते तो क्यों ना फिर मैं शहद इकट्ठा करने के लिए अपनी मधुमक्खियां भेजती हूँ। वो अपना स्पेल यूज करती है समन रिंग, और हम देखते हैं कि उसके समन रिंग में से बहुत सारी आइस दिख रही होती है। वही दूसरी तरफ कैमलॉट में बचर्क मेलियोडस और गैलेंट के बीच में एक खतरनाक फाइट चल रही होती है। दोनों एक दूसरे पे एक के बाद एक खतरनाक हमले करे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी मेलियोडस पीछे आते हैं और हम देखते हैं कि मेलियोडस इस पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके मुंह से खून आना होता है, वो कहता है नहीं डार्कनेस में सॉलो मत होना, इस पावर को खुद के कंट्रोल में रखो। और इसके बाद मेलियोडस का गैलेंट पे अटैक, हाई ब्लेज, और एक पल के लिए ऐसा लगता है मानो ये अटैक गैलेंट पे काम कर रहे हो। कहता है तुम ये डार्क पावर आखिर किसने सोचा था कि तुम इतने ज्यादा कमजोर हो गए होगे मेलियोडस। और गैलेंट के ऐसा कहते ही उसका वेपन मेलियोडस की बॉडी के आर पार हो जाता है। शिट, तो क्या सिन ऑफ रेथ मेलियोडस का यहीं पे अंत हो जाएगा? और गैलेंट सिर्फ यही नहीं डुबता, टिया नहीं फ्लेड और यहाँ तक कि मर्लिन को भी नहीं बख्शता, वो उन सबको वहां पे खत्म कर देता है। और इसके बाद में वो बढ़ता है परफेक्ट क्यूब की तरफ और उसकी लगातार अटैक उस परफेक्ट क्यूब पे, पर वो उस क्यूब को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाता। वो कहता है ओह तो ये परफेक्ट क्यूब डीमन रेलम की सीक्रेट टेक्निक, यहाँ तक कि मुझे उसे डिस्ट्रॉय करने में काफी मुसीबत आ रही है। और ऐसा कह के गैलेंट वहां से निकल जाता है। और जब वो जा रहा होता है तो हम देखते हैं कि उसके आर्मर पर रेड लाइट वाली मैजिकल स्ट्रिंग लगी होती है। और सबसे वियर्ड बात की गैलेंट की वहां से जाने के बाद में वहां पे गोतर आता है और वो उन सबकी डेड बॉडीज के बीच में खड़ा होकर हंसने लगता है। तो क्या सच में ये सेवन डेडली सिंस का अंत है? इसका पता हमें अगले एपिसोड में चलेगा। वहीं दूसरी तरफ हमें गिलथंडर, ड्रीमोर और हाउजर दिखाए जाते हैं जो कहीं पे जा रहे होते हैं, लेकिन तभी उन्हें कुछ ब्लेजर्स दिखते हैं जो कि मूवमेंट नहीं कर रहे होते, और तभी उन्हें कुछ और लोगों की चीख सुनाई देती है। और जब वो लोग ब्लेज में जाते हैं तो वहां का नजारा देख के उनके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि एक रेड मॉन्स्टर वहां पे सब लोगों की सोल को इकट्ठा कर रहा होता है। उस मॉन्स्टर को देखते ही अपनी सॉर्ड निकालते हुए गिलथंडर कहता है मेरा नाम गिलथंडर है, होली नाइट ऑफ लियोनिस, और तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ। और तभी हाउजर का अटैक राइजिंग टोर्नेडो उस मॉन्स्टर पे, जिसमें वो मॉन्स्टर भी उन तीनों पे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी ग्रेम मूड का स्पेल परफेक्शन और उस मॉन्स्टर का अटैक उसके मुंह में बंद होकर रह जाता है। और इसके बाद गिलथंडर थॉर बनते हुए यूज करता है लाइटनिंग बीस्ट चेज, और देखते ही देखते वो मॉन्स्टर बाप में बदल जाता है। उस मॉन्स्टर के खत्म होते सब लोगों को उनकी सोल वापस मिलने लगती है, लेकिन चीजें अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी उन्हें एक और मॉन्स्टर का हाथ दिखता है, उसे देखते ही गिलथंडर कहता है नहीं अभी ये खत्म नहीं हुआ है, तुम सब लोग अभी के अभी यहाँ से चले जाओ। उसके ऐसा कहते ही उनके सामने एक खतरनाक मॉन्स्टर खड़ा होता है। उसे देखते ही हाउजर कहता है चलो आखिर ये क्या चीज है? इस पे ग्रेमोर कहता है ये रेड वाले से बिल्कुल अलग है। उस मॉन्स्टर को देखते ही गिलथंडर कहता है ये अंधकार में डार्क मैजिकल पावर, ये बिल्कुल वैसी है जैसा कि जब हेंड्रिक्सन मॉन्स्टर में बदला था तब थी। जिस पे हाउजर बोलता है मुझे नहीं पता कि आखिर क्या चल रहा है, पर चलो इस चीज को अभी खत्म करते हैं। जिस पे उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती है कि ये ग्रे डीमन है, और अगर तुमने इसे सिर्फ रेड डीमन की तरह ट्रीट किया तो चीजें सिर्फ तुम्हारी बीटिंग तक ही नहीं रुकेंगी। इस मॉन्स्टर को हराने के लिए हम चारों को अपनी ताकतें मिलानी होंगी। लेकिन जब वो लोग पीछे मुड़ के देखते तो उनके शौक का ठिकाना नहीं रहता। गिलथंडर बोलता है तुम तो तुम जिंदा हो हाँ, क्योंकि उनके सामने जो शख्स होता है वो कोई और नहीं, वो हेंड्रिक्सन था। और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो यार उम्मीद है आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी, एंड आई नो यार की वीडियो बहुत ज्यादा लेट है, पर ट्रस्ट मी यार ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैंने चैनल को बोला कि फाड़ में जाओ और वीडियो नहीं डाली। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी और पता नहीं कि वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा था, और मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं थी कि मैं हाफ मन से ही वीडियो बनाऊं। और अब जब ये वीडियो आ गई है तो वीडियो रेगुलरली आएंगी। तो फिर टैग बीइंग सेड आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर में रहो, सेफ रहो, बाय बाय।